टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एक एंकर अपनी चेयर से उठकर टीवी स्क्रीन तक जाता है और वहां जाकर ये बताता है कि किस तरह से मायावती ने नोटों की माला पहनी। ये बात थी 2010 की। उस वक्त ये बहुत सनसनीखेज समाचार था और सारे टेलीविजन जो कि बड़े बड़े चैनल्स थे, न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने ये खबर प्रमुखता से दिखाई और सभी अखबारों ने प्रमुखता से इसको छापा भी। मायावती के गर्दन पर, गले पर जिस तरह की ये पैसों की माला चढ़ाई गई, वाकई शर्मनाक है। वो नोटों की माला मायावती को उनके जन्मदिन पर तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से प्रत्यक्ष रूप से एक बड़े समारोह में दी गई थी। और इसी तरह से बसपा जो है तब से अब तक, यानी कि अपनी शुरुआत से ही, जो चंदा इकट्ठा करती रही है वो आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से उसी तरह से इकट्ठा करती रही है। लेकिन टेलीविजन हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो, चाहे वो अखबार हो, बड़े बड़े अखबार, सभी अखबार एक ही हेडलाइन बरसों से चला रहे हैं कि मायावती दलित नहीं, दौलत की बेटी है, उसे ये कहते रहे हैं और लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मायावती जो अपनी पार्टी की टिकट है, चुनाव की जो टिकट है, वो उसे बेचती है, यानी कि टिकट बेचती है ये मायावती। हमेशा से ये मायावती पर आरोप लगता रहा है। आज इतने सालों के बाद, यानी कि 2010 से लेकर अब तक, यानी कि 2024 में इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल जो आरोप लगाते थे वही दौलत के बेटे थे, यानी कि जो आरोप लगा रहे थे कि मायावती दौलत की बेटी है, वो दौलत की बेटी नहीं, दरअसल दौलत के वो तमाम औलादें जो थी वही उन पर आरोप लगाती रही हैं। और ये कैसे सिद्ध हुआ? ये ऐसे सिद्ध हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो पार्टियों को चंदा मिलता है उसमें कितना प्रतिशत धनाढ्यों, यानी कि धन कुबेरों, धन पशुओं की ओर से उन्हें दिया जाता है, जो एक कारपोरेट चंदे के नाम पर इकट्ठा होता है, जिसका कोई हिसाब किताब पार्टियां नहीं देती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा मिलता है, जिसे गुप्त चंदा कहते हैं, गुप्त धन जो सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा मिलता है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा, कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा, इसके बाद तमाम वो पार्टियां, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम प्रचारित करके, ईमानदार पार्टी के रूप में प्रचारित करके जो सत्ता में आई, वो आम आदमी पार्टी भी, सारे लोग, ये साबित हुआ, ये खुलासा हुआ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धनाढ्यों, धन कुबेरों और करोड़ों के जो व्यापारी हैं उनसे पैसे लेकर पार्टी चला रहे हैं, और इसी के दम पर राज्यसभा में अब तक इन धन कुबेरों को भेजा जाता रहा है। राज्यसभा में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग नज़र आते हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये लोग इन्हें चंदा देते हैं। हाल ही में राम मंदिर के नाम पे भी लोगों ने करोड़ों का चंदा लिया और अब उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे भी जो दल हैं वो कर रहे हैं, और हमेशा से ये होता रहा है। और आरोप किस पर लगता रहा? मायावती पर। क्योंकि अगर आपके पास, अगर ये तमाम प्रचार माध्यम हो, तमाम जो जिस माध्यम से लोगों को खबरें पता चलती है, वो अगर आपकी गिरफ्त में हो, वो अगर आपका हो, तो आप चाहे जो प्रचारित कर सकते हैं, किसी के खिलाफ छवि बना सकते हैं, चाहे किसी को किसी तरह से प्रचारित कर सकते हैं, और हमेशा से इसका उपयोग होता आया है। अगर प्रचार माध्यम के, प्रचारों के माध्यम से ही आपको उनकी पूजा करनी सिखा दी गई जिन्होंने आपके पूर्वजों की हत्या की, जिन्होंने आपके अधिकार छीने, उन्हीं को आप राजा बनाते चले गए और हमेशा से उनको पूछते चले गए। जो लोग अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब
गठबंधन बन रहे थे, इंडिया गठबंधन बन रहा था, कांग्रेस की अगुवाई में जो बात हो रही थी, तो कांग्रेस का समर्थन नहीं करने पर जो लोग ये कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के डर से मायावती जो है वो इस गठबंधन का साथ यानी कांग्रेस का साथ नहीं दे रही हैं, उनको आप देख रहे होंगे कि एक एक करके वही सारे लोग बीजेपी के गोदी में जाकर बैठ गए। तो ईडी सीबीआई से दरअसल डर कौन रहा है? वही लोग डर रहे हैं जो अब तक मायावती को यह कहते रहे कि कांग्रेस का साथ वो इसलिए नहीं देती क्योंकि उसे ईडी और सीबीआई का डर लगता है। अब ईडी और सीबीआई का डर किसे लगता है आप देख पा रहे हो, रोज रोज एक एक बंदा जो है वो जाकर वहां गोद में बैठ रहा है। किसकी गोदी में बैठ रहा है आप देख रहे हैं। और कौन लोग हैं? ये वही धन कुबेर है, ये वही धन कुबेर हैं जिनकी टीवी का, मैंने थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया कि जिस टीवी चैनल का मालिक बरसों तक राज्यसभा का सदस्य रहा सिर्फ अपने धन बल की वजह से, या फिर ये कहें कि वो अपनी मीडिया को जिस तरह से उसने एक संस्था को एक पार्टी को बेच दिया था उसकी वजह से जो लगातार राज्यसभा में रहा, उसका टीवी चैनल ये बता रहा था कि मायावती दौलत की बेटी है, वो लगातार ये बताते रहे। और राज्यसभा में आप जो लोग पहुंचते हैं उनको देख कर ये, और जो पार्टियां उन्हें भेजती हैं उनको देख कर आप ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आखिर कौन सी पार्टी है जो धन बल पर चलती है, कौन सी पार्टी है जो अपना टिकट बेचती है, कौन सी पार्टियां हैं जो इस तरह से कारपोरेट के हक में काम करती है, कारपोरेट जिनको चला रहे हैं वो कौन से राजनीतिक दल हैं। आप इस चंदे की लिस्ट को देखें किसने कितना लिया है, जिसमें मायावती की पार्टी में जीरो दिखा रहा है, मतलब ये कि वो इन धन कुबेरों इन कारपोरेट के पैसों से नहीं चलती, अपने कार्यकर्ताओं के पैसों से चलती है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि यही सब लोग हैं जो अब तक आरोप लगाते रहे हैं। मतलब ये है कि जो जितनी तेजी से जितनी जोर से बोलता है वो उतना ही ज़्यादा दलदल में धंसा हुआ होता है, और यही वजह है कि वो अपनी प्रचार माध्यमों का उपयोग करके अपनी बात को ऊपर रखते हैं, और यही बात आप मान लेते हैं क्योंकि आप सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं वो दर्शक जो हैं वो इनके प्रचार माध्यमों के हमेशा से गुलाम होते रहे हैं और अभी तक हम गुलाम हैं। फिलहाल ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले को भी आप बहुत ज़्यादा ईमानदार फैसला अगर हम माने तो ये थोड़ा सा कहीं पर संदेह जरूर पैदा करता है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ये उस फैसले का रिवेंज यानी कि उस फैसले का बदला है जो सरकार ने लिया है, जिसमें जो चुनाव मुख्य के जो सीजीआई हैं उन्हें जो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उस टीम से हटाए जाने के बदले के रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है। और ये जो फैसला आया है इस बार आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो टीवी चैनल हैं जो कभी भी किसान आंदोलन को तवज्जो नहीं देते थे, उसे उससे दूरी बनाए रखते थे, उसका कहीं पर जिक्र नहीं करते थे, वो अचानक किसान आंदोलन के उस जत्थे को कवर करने लगे, वहां जाकर वो कवर करने लगे क्योंकि ये फैसला आया। इस पर टीवी चैनल चर्चा नहीं कर रहे। आप फिर से एक बार पीछे जाएं, मायावती की उस माला का जितना चर्चा तमाम टीवी चैनल तमाम अखबारों में हुआ था, क्या उस अनुपात में ये जो तमाम दलों की जो बात आई है, जो लोग चंदा लेते हैं फर्जी गुप्त चंदा, जो कि बाहर से चंदा जिनको विदेशों से चंदा आता रहा है जो बॉन्ड के नाम पर, उसकी चर्चा क्या इन टीवी चैनलों पर, उस पर क्या बहस हो रही है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। साथ ही ये बात भी देखना चाहिए कि ये जो CGI है क्या EVM पर अपना फैसला दे पाएगी, क्योंकि अभी एक मामला हुआ उसका ये बदला दिया उन्होंने, हो सकता है जो डरे हुए लोग हैं जो कोलेजियम खत्म होने के डर से अगर कभी EVM के खिलाफ
अगर कोई फैसला आता है तो निश्चित रूप से ये भारत की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर होगा और एक बहुत बड़ी बात होगी, यहाँ से परिवर्तन शुरू होगा। तो हो सकता है कि भविष्य में अपना कोलिजियम बचाए रखने के नाम पर या फिर उस डर से, खत्म हो जाने के डर से, ईवीएम के खिलाफ भी फैसला आ सकता है और बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। ये संकेत मायावती ने भी दिए हैं, तो आप इंतज़ार करिए, आगे राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। और साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और लोगों तक इस बात को फॉरवर्ड भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।